बाहर आज थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। व्हाट इज अप गाइस, आई एम शेखर एंड यू गाइस आर वाचिंग किलिसिंग व्लॉग्स। एंड आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम डेली व्लॉग्स डालेंगे अपने। और फिलहाल अभी मेरे पीछे थोड़ा जो घर है थोड़ा मैसी हो रखा है, तो फिलहाल घर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे एंड लंच भी बनाना है, तो सॉरी ब्रेकफास्ट एंड लंच भी बनाना है, तो हम एक ही साथ दोनों को कुक कर लेंगे सो दैट कि हमें दोबारा ना लगाना पड़े। फिलहाल घर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, ये बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, इनको बस अपनी अपनी जगहों पर रखना है। किचन इज़ ऑलरेडी सेट, ऑलमोस्ट सेट, एंड ये करके उसके बाद सब सेट हो जाना है। फिलहाल हमने यहाँ पे कैमरे को सेट कर दिया, अभी हम कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट, फिर वो सोफों को भी अच्छे से लगाएंगे। बाकी चले जी स्टार्ट करें। अभी जब तक हमारी सफाई निमट रही है तब तक हमारी जो वाइफ है वो खाना बना रही है, खाने की प्रिपरेशन चल रही है। क्या बना रहे हो जी आज? आलू गोभी। क्या बात है। और उसके साथ पराठे रोटी पराठे। रोटी खाएंगे यार, वजन भी तो घटाना है, हल्के में लेना कुछ भी। ये वाली टेबल हम यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, बाकी चाय पानी के लिए वो वाली। जी कहाँ तक पहुँचे आप? क्या बात है, देख लो उठा के। वाओ, चाइनीज में देखो लिखा हुआ है सॉल्ट, सब जानता हूँ। शुगर है क्या? हाँ मतलब ऑलमोस्ट देयर, दोनों सफ़ेद ही होते हैं। बाकी वहाँ से सामान उठा के यहाँ रख दिया है, अब यहाँ से सामान पता नहीं होता कि कहाँ रखा जाएगा, वो मुझे अभी फिगर आउट करना है, उसके बाद कह सकते हैं कि घर साफ है बेसिकली। क्या दो दो वजन घटाना है, सोच लिया है मैंने, किसी की बातों में नहीं आऊँगा अब मैं। और बहुत भारी हो गए हैं इस धरती पे हम, तो धरती पे थोड़ा वज़न बढ़ रहा है, सोच रहे हैं थोड़ा घटा दिया जाए। हाँ फिलहाल देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे ना दूध ऐसे आता है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये कार्टन आएगा पूरा ऐसे पैक होके आता है, एंड हम क्या करते हैं कि जैसे खाली होता गया इसमें रखते गए, फिर इसको पूरे कार्टन को बाहर रख देंगे, वो भैया लेके चले जाते हैं। बाकी इस तरीके से यहाँ पे दूध आता है, और दूध वाले भैया नहीं होते यहाँ पे, तो यहाँ पे हर वेंडर जो है आपके घर पे दूध भेज देता है, आप उसको बोल दो वो भेज देगा। खाना खाने के बाद थोड़ा मतलब होता है ना कि नशा हो जाता है, तो आलस आ गया, तो मैंने बाकी की सफाई नहीं करी, वो मैं कल करूँगा। पर इतना तो मैंने कर दिया ना, फ्लोर पे कुछ नहीं है, ये तो मॉप अपना काम कर ही देगा ना। बाकी वैष्णव देखो आलस उधर भी है, सिर्फ मुझे नहीं है, उधर भी है। अभी एक पार्सल की आवाज़ आई थी बाहर कि पार्सल आ गया, क्योंकि वैष्णव ने एक टेम्पर्ड मंगवाया था फ़ोन के लिए, वो आया शायद। तो हाँ ये राजी, ओके ये हमारा आ गया। ये जी हमारे घर के बाहर का व्यू, ये हमारी लिफ्ट, और मुझे लग रहा है शायद पार्सल आया तुम्हारा, वो टेम्पर्ड आया है, आवाज़ से तो ये लग रहा है, देखो खोल के एक बार। क्या ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? फोन कौन हुआ है तुमने? नहीं, क्या चीज़ है फिर ये? आई थिंक अलाइनमेंट करने के लिए। तुम कुछ क्यों रही होती, पहली बार व्लॉग में आ रही हो तुम। अच्छा ये इसके ऊपर लग जाएगा ऐसे, उसके बाद
अच्छा मतलब वो मतलब हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, बस इसके ऊपर रखो चिपका दो। अच्छा वो पहले देखना पड़ता था कि कहीं वो स्पीकर ना हो जाए, माइक्रोफोन जो है वो ओके। तो मतलब उन्होंने बक्सा सा दे दिया हम लोगों को फ्री में, फिर रात दिन हम यही लगाते रहेंगे। क्या बात है, बस ये लग जाए ठीक से। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस लग जाए बक्सा तो हम वापस भी दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा बस। मैं कभी इसको ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। लग भी गया बड़े प्यार से लगा, बहुत स्मूथ लग गया। हाँ मतलब इतना टेंशन वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। 6 MB के टेम्पर्ड के साथ दो टेम्पर्ड और ये भी और सब लगाने का काम जो। क्या बात कर रही हो। फिलहाल जी शाम के 4:30 बज गए हैं, कॉफ़ी हमने पी ली है और बाकी आज हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं क्या? करनी तो है क्योंकि थोड़ा वज़न हल्का करना है इस धरती पे से, बहुत हो गया है। बाकी देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता है। नया फिल्टर आया है, मैंने सुना है कि तुम आज से डेली लाइफ व्लॉगिंग करने वाले हो। देखो पूछ वाली है ऐसे लगोगे तुम इतना बुरा लग रहा है ना ऐसा लग रहा है तो 90s, 80s के वर्क टाइम। भैया देखो हमें काम करना है, फोकस दें। पहले हम दोनों बैठ के अपने अपने काम कर रहे थे और वैष्णवी की नज़र गई यूट्यूब पे, और पिछले कुछ महीनों से हम यूट्यूब पे एक्टिव भी नहीं हैं और हमारा चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब कंपैरेटिवली इट वाज एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी नहीं थी कि देखो अगर एनालिटिक्स अगर आप देखो तो एनालिटिक्स बोलते हैं कि ये अप डाउन चल रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे नहीं चला गया, ऐसा जा रहा है। नॉट टू बैड जिसमें कि हमने ये सोचा, बल्कि देखो लास्ट 3 months का जो ग्राफ है वो नीचे जाने की जगह ऊपर ही जा रहा है। देखो जी आखिरी में ऊपर जा रहा है, क्या बात है। हाँ तो मैं वो बोल रहा था बात कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी वीडियोस हमने अभी तक बनाई हैं चाइना की, हम उसका व्लॉग बनाएंगे और रेगुलर बेसिस पे उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि इस बार हम सोच रहे हैं यूट्यूब का खेल ही ख़त्म कर दें। फाइनली हम साथ में हैं अब, हम काफ़ी चीज़ें करेंगे और रेगुलर रहेंगे। जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के लिए। बाकी काम आएंगे जाएंगे जैसे आए गए हैं, लेकिन हम भटकेंगे नहीं इस बार। और वैष्णवी एक चीज़ और बोल रही है, वो ये बोल रही है कि चैनल का नाम चेंज करो। क्या रखें फिर चैनल का नाम? आई डोंट नो रखें क्या? What are you looking for? What are you watching, beta? I don't know. यार ये नहीं। Interesting कुछ नहीं होता है। यार तुम्हारा नाम वैष्णवी है। कौन रखें? चैनल का नाम। ग्रोसरी शॉप है। ये रात के 12 बजे तक खुली रहती है। हम शाम को इसलिए आते हैं, कमीड़ मिलती है यहाँ पे। बाकी हम जो क्या करते हैं कि शाम को मॉप से घर को पूरा साफ करवा देते हैं कि पूरे दिन की जितनी भी गंदगी आई है सब जो है इकट्ठी हो जाए और इसके अंदर इकट्ठी हो जाए और पूरा घर साफ हो जाए। सुबह जब हम उठे तो घर ऑलरेडी साफ मिले। कुछ लोग ऐसा करते हैं इसको रात को चला के छोड़ देते हैं। इन दैट केस मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता, हमारी थोड़ी अलग प्रेफरेंस है। और अभी इसको चलाएंगे, घर साफ करवाने के बाद वी आर गुड टू गो, एंड तब तक हम अपना डिनर प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी जी हमने मॉप को लगा दिया है काम पे और हमारा काम हो गया है यहाँ पे ख़त्म। खाना खाने के बाद माँ बाप से बात करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से साफ़ सफाई करता है, अगर आप चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, और फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।